दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं कार सेलर सिमुलेटर। और भाई आज यहां पर हम करने वाले हैं अटेंड ऑक्शन। ऑक्शन इसलिए हम अटेंड करते हैं क्योंकि भाई ऑक्शन पे ही ज्यादा बढ़िया और नई गाड़ियां मिलती हैं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, भाई हमें मिली थी एक डॉज वाइपर और भाई ये मर्सिडीज 300 SLR जो कि भाई 1000 करोड़ रुपए की गाड़ी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक डॉज वाइपर और है, और भाई उसके अलावा यहाँ पर एक गाड़ी और है जिसको मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। अभी जल्दी में हम लोग, क्योंकि भाई ऑक्शन अपना शुरू होने ही वाला है और मुझे ऐसा लगता है भाई कोई ना कोई बढ़िया गाड़ी तो मिलकर ही रहेगी, तो जल्दी से चलते हैं अपने ऑक्शन पर और देखते हैं भाई कौन सी यहाँ पर बढ़िया गाड़ी आई हुई है। तो हमारा पूरा फोकस इसी पर है केवल कि हम लोग सुपर कार्स कलेक्ट करें, उसके साथ साथ भाई अपना बिजनेस भी चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग कार कलेक्ट करने में ही लगे हुए हैं। तो अभी ऑक्शन शुरू होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, तो चलते हैं जल्दी से भाई, शुरू हो जाए इससे पहले हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिलहाल तो पहुँच ही चुके हैं और यहाँ पर जो पहली गाड़ी है वो तो एकदम बेकार सी है, सस्ती वाली है, तो इसको लेना है नहीं। तो इसके बाद देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी आएगी, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं भाई दूसरे नंबर पर जो गाड़ी आती है वो कौन सी होती है। और यार दूसरे नंबर पर जो गाड़ी है वो है भाई मैकलेरन। यार भाई मैकलेरन तो कार मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन ये अच्छी बात है भाई कि यहाँ पर थोड़ी सस्ती है और डैमेज भी नहीं है, तो मुझे रिपेयर भी नहीं करवाना पड़ेगा, तो इसको खरीद लेते हैं। इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है हम लोग को, तो भाई खाली आज जाने से बेहतर है ना इसको खरीद ही लेते हैं, बढ़िया 10-12 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद भाई ये जो अगली गाड़ी है वो भी एकदम बेकार सी है, लेकिन अभी लास्ट वाला भाई बचा हुआ है शटर ओपन होने को, देखते हैं इसमें क्या है। अब भाई इसमें भी BMW की एकदम सस्ती वाली गाड़ी, चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर मैकलेरन हमने खरीद ली है तो एक गाड़ी तो लेकर चलेंगे ही हम यहाँ से, तो इसको लेकर चलते हैं भाई। यार अपना बिजनेस भी चलता रहेगा, इसको बेच देंगे, 10-12 लाख का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा इस गाड़ी पर। और भाई इसके अलावा फिर हम लोग आएंगे ऑक्शन अटेंड करेंगे और देखेंगे। वैसे भाई अपने बिजनेस के लिए जो सबसे बेस्ट गाड़ियाँ हैं ना, जिसपे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो है मैकलेरन, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी। बस ये तीन गाड़ियों पर सबसे बढ़िया प्रॉफिट होता है। वैसे प्रॉफिट तो सब पर होता है, पर और सारी गाड़ियाँ जो है वो सस्ती हैं। और भाई 10,000 की गाड़ी खरीदोगे 20,000 की बेचोगे कोई मतलब नहीं है, 10 लाख की खरीदो और 20 लाख की बेचो ना, 10 लाख एक साथ आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैकलेरन मैंने खड़ी कर दी है और यहाँ पर एक डॉज वाइपर है भाई, इसको भी लेकर चलते हैं और इसको भी शोरूम के अंदर खड़ी करते हैं। बाहर खड़ी रहती है तो ऐसा लगता है भाई दूसरे की गाड़ी है, अंदर खड़ी रहेगी तो ऐसा है कि पूरा भाई अपनी ही गाड़ी है, किसी और की नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम लोग बैक करके दूसरे वाले डॉज के बगल में खड़ी करेंगे, और भाई बहुत ही आराम से, क्योंकि बगल में अपनी मर्सिडीज खड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, और भाई ये गाड़ियाँ भी महंगी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि डैमेज हो जाए, तो इसको यहाँ पर आराम से पार्क कर देंगे। और इसके बाद भाई आप लोगों को मैं एक सुपर कार और दिखाता हूँ, जो कि मुझे भाई, मैं ऐसे ही गेम खेल रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, तब मुझे मिली थी, जो कि अपनी अपोलो इंटेंसा एमेजियन। भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी आप लोग देख सकते हो और महंगी भी है, 20 लाख की गाड़ी है, यानी कि $2 मिलियन की ये गाड़ी है, और देखने में काफ़ी ज़्यादा इसका लुक वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये मैंने खरीद ली थी और मैं इसको सोच रहा हूँ बेचूँ नहीं, अभी कोई भी सुपर कार बेचेंगे नहीं, केवल और केवल सुपर कार यहाँ पर मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है भाई कि अपना अपडेट आए हुए इस गेम का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और जब नेक्स्ट अपडेट आएगा तो उसमें ड्रैग रेस तो होगी, तो ड्रैग रेस से हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पर अर्न करने हैं, जिसके लिए भाई हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुपर कार की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे पास 4 पहले से ही है, और भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और जितनी से ज़्यादा हो जाए उतनी हम कलेक्ट करें। फिलहाल अभी चलते हैं भाई सोने, इसके बाद हम लोग उठेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे है हमारा कार मार्केट, तो कार मार्केट ओपन रहेगा आज, तो हम लोग उठ गए हैं। एक बार मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ भाई अपनी ये सारी गाड़ियाँ, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इनको कलर करवाया है भाई, रिपेयर करवाया, देख सकते हो आप सभी लोग। तो चलते हैं भाई कार मार्केट, और मुझे यार कार मार्केट से केवल 2 ही गाड़ियाँ पसंद आती हैं, एक तो बुगाटी, एक मैकलेरन। और भाई सुपर कार को अगर हटा दो तो सबसे बेस्ट गाड़ी मुझे मैकलेरन लगती है, उसे पीछे से देखने में ना इसका लुक जो है भाई एकदम ओपी। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी गाड़ी आई है, एक तो यहाँ पर मैकलेरन यार मुझे दिख रही है सबसे आगे ही, पर मैं लेना नहीं चाहता हूँ यार, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक भी बढ़िया गाड़ी नहीं है, जैसे कि मैं चाहता था भाई कि बुगाटी मिल जाए, बुगाटी आई नहीं है, केवल एक मैकलेरन आई है जो मैंने आप लोगों को दिखाई आगे ही खड़ी है, तो मैं उसको लेने वाला हूँ नहीं यार, एक दो गाड़ी नहीं, मतलब अगर बुगाटी भी आई होती तो उसको भी लेता और इसको भी लेता। फिलहाल इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। अभी तो हमारे पास एक मैकलेरन है ही ऑलरेडी भाई शोरूम पर, उसको बेचनी है, और अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। यार आज के दिन हम क्या करें, मतलब कि यार ऑक्शन तो होगा नहीं और कार मार्केट पे कार बढ़िया आई नहीं है,
तो चलकर सो ही जाते हैं और कोई काम तो ऐसे है नहीं। वैसे मैं चाहूँ तो मैकलेरन बेच दूँ, पर बाद में बेचेंगे, अभी चलकर सोते हैं। और भाई नेक्स्ट डे आज है ऑक्शन, तो हम लोग चलते हैं भाई ऑक्शन अटेंड करने। और मैं सोच रहा हूँ भाई बस से ना जाकर यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी लेकर जाऊँ, क्योंकि चार कार है भाई, तो यहाँ पर बस से जाना थोड़ा सूट नहीं करता हम लोग को। तो यहाँ पर हमने अपनी अपोलो ले ली है, ड्रिफ्ट वगैरह बहुत सही मारती है। और भाई इस वाले गेम में ना सभी कार बढ़िया ड्रिफ्ट मारती हैं, क्योंकि भाई सभी कार का मैकेनिज्म जो है वो एकदम सेम है। तो ये अपडेट में मुझे लगता है नेक्स्ट अपडेट में ये चीज़ ज़रूर सही हो जाएगी। और हाँ भाई, अपडेट कभी भी आ सकता है, क्योंकि यार लगभग हो गया है यहाँ पर 20 दिन हो गए हैं अपडेट आए हुए, तो मुझे लगता है कभी भी अपडेट आ सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए भाई अपडेट के लिए, और नेक्स्ट वाला अपडेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। फिलहाल हम लोग पहुँच गए अपने ऑक्शन पर, यहाँ से टिकट खरीदते हैं और चलते हैं भाई, देखते हैं कौन सी बढ़िया गाड़ी आई हुई है। तो हमको वेट करना पड़ेगा भाई, चार शटर है, एक में तो बढ़िया आई होगी। और शुरुआत हमेशा की तरह ही एकदम बेकार हुई है। वैसे ये भाई BMW की ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक गाड़ी है, जैसे कि BMW 5M F90 है, महंगी भी है, लगभग 65-70 हज़ार 80 हज़ार की है, पर हम इसको लेने वाले हैं नहीं भाई। ये हम लोग कम से कम 5 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ ही लेंगे, और अगर 5 लाख के नीचे की गाड़ी ले रहे हैं तो भाई वो होनी चाहिए रेयर कार, नहीं तो हम लोग भाई नहीं लेंगे। चिंदी वाला काम नहीं करना है, ये तो और ही ज़्यादा सस्ती है, $3,500 की। अबे भाई $3,500 इस गेम में अगर मेरा गिर जाए तो मैं उठाऊँ ना उसे, और मैं 3,500 की गाड़ी खरीदूंगा भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, तो यार इसको तो छोड़ ही दो, इसको जाने दो। इसके बाद देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी हमें मिलने वाली है, क्योंकि भाई अभी अपना 2 शटर ओपन होना बाकी है, और मुझे लगता है एक एक में तो होनी चाहिए मतलब बढ़िया गाड़ी। देखते हैं, वेट करते हैं हम लोग। फिलहाल ये वाली भाई गाड़ी बिकने ही वाली है, और बिक गई। और नेक्स्ट शटर में अबे भाई ये तो कोई बढ़िया गाड़ी है भाई, पोर्शे 964 मिल गई हम लोगों को भाई। इससे पहले एक बार और हमें ये मिल चुकी है पोर्शे 964, और वो वाली मैंने भाई बेच भी दी थी। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्स यहाँ पर मिल चुकी हैं, लगभग सारी कार मुझे दोबारा मिल रही है। एक बार मैंने सारी कार खरीद कर बेच दी है, तो भाई मैंने यहाँ पर इसको खरीद लिया है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख में। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया OP कार है भाई, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बेहतरीन। अभी जब नीचे आएगी ना आप लोगों को भाई पूरा दिखाऊंगा डिटेल में। वैसे यहाँ पर इसको हमने एक बार और ख़रीदा था, आप लोगों को पता होगा, उसका वीडियो भी ये है भाई चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर भाई अपना ऑक्शन ख़त्म हो चुका है, और जो हम चाहते थे वही हुआ भाई, एक गाड़ी हमें सुपर कार रेयर कार मिल गई है पोर्शे 964। और भाई इसको पहले करते हैं टो अपने अपोलो को, और इसको लेकर चलते हैं चलाकर। भाई क्या ही गाड़ी है यार, देख रहे हो ना एकदम भाई इसका भाई डिज़ाइन वगैरह एकदम लुक बाहर से एकदम OP है। तो चलो फिर इसको लेकर चलते हैं अपना भाई अपने शोरूम पर, और वहाँ पर चार गाड़ियाँ पहले से ही एकदम बढ़िया तगड़ी वाली, और ये 5वीं हो जाएगी। और ऐसे ऐसे करके भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा कार यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं, और भाई चलने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर यार इसको ज़्यादा स्पीड में बढ़ा दो ना तो डैमेज हो जा रही है, मतलब कि थोड़ा रोड से अगर नीचे उतारे तो डैमेज हुई तुरंत। देखो अभी चल रही है ना, थोड़ा डैमेज हो गई, तो इसको रिपेयर करने के लिए ले चलते हैं। और भाई ये देखो, मतलब यार एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने पर ही ये डैमेज हो जा रही है काफ़ी ज़्यादा, वो देखो नीचे उतारते वक्त भी हो गई। तो फिलहाल यार इसको रिपेयर करते हैं, और वापस ले जाते समय ना बहुत ही ज़्यादा आराम से ले जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं बस यही करता रहूँगा। फिलहाल इसका चेंज कर देते हैं कलर, रेड वाला ठीक लग रहा है इस पर, या कोई और कलर देख लेते हैं एक मिनट थोड़ा इसका ट्यूनिंग करके। तो मुझे लगता है यार रेड ही ठीक पड़ेगा इस पर, वैसे ये ब्लू वाला भी ठीक लग रहा है, पर यहाँ पर ये रेड हम लोग करेंगे भाई, ये वाला रेड हमने कर दिया है कलर। और इसको लेकर चलते हैं बहुत ही ज़्यादा आराम से, क्योंकि भाई अभी अपनी गाड़ी जो है वो 1% डैमेज नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा स्पीड में भाई यहाँ से बाहर निकालें ना तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा आराम से यहाँ से निकालना है, अब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होगा जैसे ये नीचे भाई ज़मीन पे या रोड पे आ जाए ना, तो इसका स्पीड थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर आराम से हो गया है, तो अभी इसको लेकर चलते हैं, पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को अपनी उन चारों गाड़ियों के पास फिलहाल के लिए भाई। यहाँ पर इधर मैं इसको पार्क कर रहा हूँ, सामने वो 3 गाड़ियाँ हैं, और भाई यहाँ पर ये, और इसके बाद अपनी जो अपोलो है ना उसको भी लाकर वहाँ सामने जो जगह खाली है भाई उसको वहाँ पार्क कर देते हैं, वो भी एकदम बढ़िया। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगती है देखने में वैसे ये अपोलो। वैसे यार इसमें अगर ये लोग ये एनिमेशन देते हैं जैसे हम लोग इंटर करते हैं, तो अगर गेट खुलते हुए भी दिखाए ना तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इसको हम अंदर ना खड़ी करके भाई बाहर ही खड़ी करते हैं, क्योंकि भाई इसको लेकर ही हम लोग इधर उधर जाते हैं, मतलब ऑक्शन हो गया या कार मार्केट हो गई, तो हम लोग उसको जो है बाहर ही रहने देते हैं। और फिलहाल के लिए जो मैकलेरन है मैं सोच रहा हूँ यार इसे बेच दूँ, तो देखते हैं इसको सेल पर लगाते हैं, कोई कस्टमर आता है या फिर नहीं। वैसे कस्टमर तो यहाँ पर आ ही जाते हैं भाई तुरंत ही, जैसे मैं सेल ऑन करूँगा
तो यहाँ पर इसको हमने खरीदा था 14 लाख, तो बेचेंगे 34, 34 लाख में बेचने का ट्राई करेंगे। कम से कम भाई 30 लाख में तो बिक जानी चाहिए, 30 नहीं तो 28-29 तक तो आराम से बिक जाएगी। फिलहाल यहाँ पर वेट करते हैं हम लोग कस्टमर का। वैसे बेचने के लिए केवल एक ही गाड़ी है, बाकी सारी गाड़ियाँ मैं बेचने वाला हूँ नहीं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया भाई कि नेक्स्ट अपडेट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और मुझे लगता है भाई उसमें ड्रैग रेस जरूर होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सुपर कार कलेक्ट कर रहा हूँ, एक नहीं कई सारी। और यार ये कस्टमर कहाँ रह गया भाई, अभी तक आया नहीं। ओ भाई एक कस्टमर आ गया है, सामने से चल के आ रहा है, और देखते हैं भाई ये कितना हमें देगा इस मैकलेरन के। तो ये 25 लाख देने को तैयार है ऑलरेडी, तो हम कहेंगे भाई 25 नहीं कम से कम 30 लाख तो दे दे यार। वैसे 30 में बिक जाएगी भाई, 30 में बिक गई, लंबा प्रॉफिट हमारा होता है हमेशा से ही। 14 लाख की खरीदी थी, 30 में बेची। फिलहाल चलकर सोते हैं, और भाई नेक्स्ट डे उठेंगे हम लोग। और भाई आज फिर से ऑक्शन है हम लोगों का, तो एक बार फिर से चलते हैं ऑक्शन अटेंड करने। वैसे मैं ऑक्शन पे ज़्यादा फोकस देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है यार कि ऑक्शन में ही नई गाड़ियाँ मिल पाती हैं। कार मार्केट में तो आपको पता है यार, कार मार्केट में क्या है, जो आज है वो कल भी है, वो परसों भी है, तो मतलब वो तो आप कभी भी खरीद सकते हो। इसीलिए ऑक्शन ज़्यादा अटेंड करो भाई, अगर आपको भी चाहिए अगर सुपर कार तो। तो फिलहाल इसको हम लोग चलते हैं यार, यहाँ पर खड़ी करते हैं। और यार यहाँ पर टिकट भी खरीदना पड़ता है, पता नहीं पहले जाओ टिकट खरीदो फिर जाओ वहाँ पर बैठो, ये ऑक्शन का भी टिकट लगता है पता नहीं क्यों। चलो यहाँ पर बैठते हैं, हम लोग जाकर देख नहीं सकते ना, अगर देखने के भी ट्राई करेंगे फिर भी यहाँ पर टिकट लगेगा ही लगेगा। तो पहले नंबर पे जो गाड़ी आई है वो है अपनी डॉज चैलेंजर है, और इसको हम लोग लेने वाले नहीं है भाई। मुझे लगता है ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा कम बार परचेस किया होगा, एक या दो बार इसको मैंने परचेस किया। और यार फिर से आ गई अपनी मैकलेरन P1 2014 का मॉडल है ये। फिलहाल 10 लाख से इसकी जो बेट है वो शुरू हुई है, बिड शुरू हुई है, तो ये भी 12-13-14 लाख तक जाएगी। देखते हैं भाई इसको खरीदेंगे ही क्योंकि इस पर लंबा प्रॉफिट होता है, तो इसको तो लेकर चलना ही है। फिलहाल यहाँ पर 15 लाख तक ये पहुँच चुकी है भाई, और यहाँ पर अभी बढ़ती ही जा रही है इसकी बिड, और 16 लाख 25 हज़ार की हमने खरीद ली है। और जो ये नेक्स्ट वाली गाड़ी है भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा एकदम सस्ती सी है, BMW का सबसे सस्ता मॉडल ये है जिसको हम लोग लेने वाले हैं ना। इसके बाद वाली जो गाड़ी है भाई वो भी BMW की वही सेम मॉडल है, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। तो मैकलेरन मैंने खरीद ली है, बाकी ये वाली गाड़ी है अपनी अपोलो, इसको लेकर हम लोग आए थे, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको टो ही कर देते हैं, मतलब कि यहाँ फिर मैकलेरन से चलेंगे फिर डायरेक्ट उसको जाकर बेच देंगे अपने शोरूम पे। तो फिलहाल इसको हम लोग कर देते हैं टो, जब तक अपना भाई ऑक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल ऑक्शन हाँ ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर एक गाड़ी मैंने गलती से ख़रीद ली थी भाई, यहाँ पर टाइम बहुत लग रहा था, तो इसको हमने टो कर दिया है, और इसको लेकर चलते हैं अपनी मैकलेरन को। मतलब कि यहाँ पर अभी 2 गाड़ियाँ ऐसी है हमारे पास जिसको हमें सेल करना है, जिससे हमें पैसे मिलेंगे, बाकी सारी गाड़ियां तो सेल नहीं करेंगे। और यार मुझे समझ नहीं आता ये गेम डेवलपर्स ने ना यहाँ पर गैस स्टेशन क्यों लगाया है। गैस स्टेशन भाई यहाँ पर अपना फ्यूल ख़त्म होता ही नहीं है, तो क्यों हम फ्यूल डलवाएंगे यार, जितना फ्यूल रहता है गाड़ी में उतना ही रहता है, फ्यूल ख़त्म ही नहीं होता। फिलहाल इसको यहाँ पर हम लोग खड़ी करते हैं। बस ऑक्शन में एक ही फ़ायदा रहता है भाई, चाहे जो गाड़ी आप खरीदोगे आपको वहाँ से रिपेयर वगैरह नहीं करवानी पड़ती है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर ला कर सेल कर सकते हो बढ़िया प्राइस पर। तो अभी भाई सामने की तरफ अपनी जो यहाँ पर BMW है ना इसको भी लेकर चलते हैं भाई। इसको तो मैंने गलती से ही ख़रीद लिया था, पर कोई बात नहीं, इसको भी बेच देंगे भाई, 5-10 हज़ार का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो इसको यहाँ पर लाकर खड़ी करते हैं सबसे आगे, यहाँ से बैक करते हुए। अबे भाई पीछे ठुक ना जाए, नहीं तो भाई 5 हज़ार की गाड़ी को अभी रिपेयर करवाने भी जाना पड़ेगा, इतना टाइम लग जाएगा भाई कि क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल यहाँ पर इसको हमने यहीं पर खड़ी कर दिया है, तो अभी सेल लगाते हैं अपनी मैकलेरन की और ये अपनी BMW जो है सस्ती वाली इसको। तो ये 16 लाख की हमने खरीदी है, तो कम से कम इसको भाई 36 लाख हम लोग लगाते हैं, 30 लाख तो आराम से मिल ही जाएगा यार, आराम से 30 लाख तो कोई भी मैकलेरन गाड़ी हो मैं 30 लाख आराम से उसको बेच सकता हूँ। 16 हज़ार लगा दिए हमने BMW E36 का। तो देखते हैं भाई अभी कस्टमर के आने का वेट, क्योंकि वो जब तक आएंगे नहीं हम लोग गाड़ी बेच नहीं पाएंगे। आ जाओ भाई यार कस्टमर सब, भाई ये लोग भी अब बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लगे हैं। फिलहाल तो दोनों आ गए भाई, दोनों गाड़ियों के लिए के कस्टमर। देखते हैं ये अंकल हमें 26 लाख दे रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं भाई 36 लाख दो, 36 तो नहीं देंगे मुझे पता था, तो ये देंगे हमें 32 लाख। 32 लाख भाई आराम से 32 लाख में बिक गई है, 16 की खरीदी थी 32 में बेची है, डबल का प्रॉफिट। और भाई इस पर तो मैंने बार्गेन भी नहीं किया, डायरेक्ट बेच दिया। फिलहाल भाई ये वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और हाँ, नेक्स्ट अपडेट भाई कभी भी आ सकता है 1 वीक के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।